गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो बेसिकली इसमें जो है हम सोशलिज्म जो है वो जो हमारी सेकंड जो वैल्यू जो है सोशलिस्ट वैल्यू उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपका क्योंकि PPSC जो है उसमें आपकी एक और सब्जेक्ट जो होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, और उसमें जो है आपको सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो हम दोनों को जो है वो एक साथ कवर करेंगे। जो ये वाला जो पार्ट होगा सोशलिज्म वाला पार्ट या कार्ल मार्क्स वाला पार्ट जो है इसकी मैं अलग से क्लिप काट के जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अलग से सबके लिए पब्लिक जो है वो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आप कार्ल मार्क्स वाला कंसेप्ट है या सोशलिज्म वाला कंसेप्ट है ये अदरवाइज भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो सारी क्लास जो है वो जो हमारे स्टूडेंट होंगे उन्हीं के लिए होगी, और ये जो छोटा सा पार्ट होगा है सोशलिज्म वाला, ये हम जो है ये यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, इतना पार्ट कट करके। तो ये जो आपका सोशलिज्म वाला आइडिया था, सोशलिज्म आइडिया से पहले इसको समझने से पहले आपको जो है तीन आइडिया जो है उनका पता होना चाहिए। पहला है आपका लिबर्टी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड देन सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म जो कंसेप्ट जो आपका आया था उसका मतलब ये था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल या वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, तो उनके वेलफेयर की बात की जाती है यहाँ पे सोशलिज्म में। लेकिन उनके वेलफेयर की बात जो है वो किस तरीके से आती है, उससे पहले जो कंसेप्ट होता है आपका लिबर्टी और इक्वालिटी का, ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू आया था लिबर्टी और जो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट था। लिबर्टी तो स्पेशली आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही आउटकम है। ठीक है, तो बेसिकली लिबर्टी जो है इसके ऊपर फिर देन जब जैसे जैसे आपका ये जो कॉन्सेप्ट जो है और आगे डेवलप होते हैं तो इनके ऊपर जो थिंकर्स जो होते हैं ना आपके पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स जो आते हैं आपके, तो उन्होंने अपने अपने कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो उन्होंने थ्योरीज या आइडियोलॉजीज जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो वो जब आप पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट वो करते हो तो वहां पे उन थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जब हम एथिक्स करते हैं तो वहां पे भी इनकी थ्योरीज जो है वो थोड़ी थोड़ी वहां पे भी आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है इसको दो तरीके से करेंगे, एक मतलब दो तरीके से ये आज ये जो पार्ट होगा ये कवर होगा। सबसे पहला आपका पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल होता है उस तरीके से कवर किया जाएगा, दूसरा आपका पॉलिटिकल थ्योरी का जो पार्ट होता है पीपीएससी में उस तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो लिबरलिज्म का जो सबसे पहले लिबर्टी जो है वो डिस्कस करते हैं या लिबरलिज्म जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो आपका लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये आइडिया जो है या लिबरलिज्म का आइडिया जो है ये आना शुरू हो गया था जैसे ही आपकी जो हमारा जो देश था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये जो आइडिया जो है ये बात करता है, ये आइडिया कहता है कि देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल बाय द स्टेट। मतलब स्टेट जो है किसी भी इंडिविजुअल पे के ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाएगी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होगा कंप्लीट लिबर्टी। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई इंसान पैसा कमा के ठीक है अमीर बनना चाहता है तो वो अमीर बन सकता है, स्टेट उसमें कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, स्टेट आपको दो पैसे भी नहीं देगी कि आप जो है वो जो अमीर बनना चाहो, तो स्टेट आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगी। आप अमीर बनना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आपकी लिबर्टी है, आप कुछ भी करके जो है आप अमीर बन सकते हो, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट ना आपके ऊपर कोई टैक्स लगाएगी ना कुछ भी करेगी। ठीक है, तो ये मतलब था उस टाइम पे लिबर्टी का, जो उस टाइम पे जो है ये चल रहा था। लेकिन ये जो लिबरलिज्म जो होता है जिसमें स्टेट का जो इंटरवेंशन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होती, उस लिबरलिज्म को कहा जाता है नेगेटिव लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ठीक है, नेगेटिव लिबरलिज्म। देन उसके बाद एक ना पॉलिटिकल थिंकर जो है वो आते हैं, उन्होंने ना एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी हुई है। पॉलिटिकल थिंकर का नाम है विलियम समर, SUMNER, N यहां पे साइलेंट है। ठीक है, विलियम समर ये जो है ये एक स्टेटमेंट देते हैं, इनकी स्टेटमेंट क्या है, अ ड्रंकन इन गटर इज वेयर ही ऑट टू बी। ठीक है, कि अ ड्रंकन इन गटर इज वेयर ही ऑट टू बी, मतलब कि लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर कोई शराबी धुत होके नाली में पड़ा है तो उसको वहीं पे पड़ा रहने दो। ठीक है, वो अपनी मर्जी से उसने शराब पी, दारू पी, उसके बाद वो वहां पे नाली में गिर गया। जो स्टेट जो है उसका कोई भी धर्म जो है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं बनती कि उस गटर में पड़े हुए आदमी को उठाया जाए। उसने क्या किया था, अपनी मर्जी से उस बंदे को पूरी लिबर्टी है, वो चाहे गटर में पड़ा है तो 2 दिन पड़ा रहे, 3 दिन पड़ा रहे, 5 दिन पड़ा रहे। ठीक है,
उस बंदे को लिबर्टी है, जितनी दारू पीना चाहे वो पी सकता है। हाँ, स्टेट इसमें बीच में इंटरवीन जो है वो बिल्कुल नहीं करेगी। ये है आपका नेगेटिव लिबरलिज्म। इसके ऊपर ये जो विलियम समर जो है, इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट जो है वो दी थी। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा था कि इस वजह से जो आपका गैप जो है ना वो इंक्रीज होता जा रहा था, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर का गैप इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा था कि अब जो इंसान पहले से अमीर है उसने क्या किया, उसने इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है। इंडस्ट्री लगाने के बाद उसने क्या किया, उसने लोगों को वहां पे हायर कर लिया, ठीक है। अब लोगों को हायर कर लिया तो पूरी मर्जी तो यहाँ पे, क्योंकि स्टेट जो है वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर रही थी, ठीक है। इस बंदे ने क्या बोला कि मैं तुम्हें जो है इतनी वेजेस जो है मान लो $5 जो है वो एक दिन के दूंगा, ठीक है, तो उसी में तुम्हें जो है वो गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेट की क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरवेंशन जो है वो नहीं थी, ठीक है, तो स्टेट इसमें आके ये नहीं कह सकती कि तुम इनको $5 जो है वो तो बहुत कम है, तुम इनको $5 जो है वो क्यों दे रहे हो, ठीक है। इनकी जो असल जो है इनकम जो है वो बनती है $25, ठीक है, हाइपोथेटिकली लेके चल रहे हैं, तो तुम उसका क्या कहते हैं ऑलमोस्ट इसका 5 गुना जो है वो तुम इसको कम दे रहे हो। तो इसमें स्टेट जो है वो उसका कोई भी से जो है वो नहीं था। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा था और जो अमीर था वो ज्यादा अमीर होता जा रहा था, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट जो था, ये नेगेटिव लिबरलिज्म वाला कंसेप्ट जो था, इसको काउंटर करने के लिए आगे जाके कार्ल मार्क्स आते हैं और वो जो है वो आपका सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है उनका कहना था कि ये जो लिबरलिज्म जो है या नेगेटिव लिबरलिज्म जो है वो इनइक्वालिटी जो है उसको कॉज कर रहा है। इनइक्वालिटी किस तरीके से कॉज हो रही है, क्यों, क्योंकि ये जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। क्यों क्यों होता जा रहा है, क्योंकि स्टेट जो है वो बीच में इंटरवीन ही नहीं कर रही है। स्टेट जो है वो लोगों के लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। अब यहाँ पे जो अमीर था इसके पास पैसे थे पहले से, इसने क्या किया इंडस्ट्री बना ली। अब यहाँ पे स्टेट ये भी नहीं करेगी कि कोई मान लो कोई इंसान है गरीब है, उसको स्टेट ₹10 दे दे और ₹10 दे के उसको बोले कि तू कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा ले या कोई छोटा मोटा काम कर ले, ठीक है। तो ये जो है स्टेट की इंटरवेंशन जो है यहाँ पे लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे चल रहा था लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। अब इसके अगेंस्ट जो है ये आएगा आपका सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिबर्टी की वजह से क्या हो रहा था, इक्वालिटी जो है वो बिल्कुल नहीं रह रही थी, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। फिर आएगा आपका लिबर्टी का कंसेप्ट। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो कार्ल मार्क्स आएंगे ये कहते हैं कि ये जो लिबरल जो है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास जो है उनकी बात करते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास कौन सी होती है, जिनके पास बेसिकली जो आपके जो ये होते हैं बेसिकली जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो होते हैं या बहुत ज्यादा अमीर होते हैं उनको कैपिटलिस्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये आते हैं आपके सोशलिज्म में, कार्ल मार्क्स जो है वो आते हैं और वो कंसेप्ट लेके आते हैं आपका थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म की थ्योरी जो है वो लेके आते हैं। तो उनका कहना था कि ये लिबरल्स जो है ये इनइक्वालिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इनका कहना था कि जो हमारा जो समाज है उसमें दो तरीके की जो है जो क्लासेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक एग्जिस्ट करते हैं आपके बॉर्जुआज, दूसरे एग्जिस्ट करते हैं प्रोटेलिटेरियंस, ठीक है। मतलब एक बॉर्जुआ क्लास एग्जिस्ट करती है, दूसरी प्रोटेलिटेरियट क्लास जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी जो है उसको देने से पहले इन्होंने कुछ बातें जो है वो की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी ना उसको फेजेस में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि पहले प्री इंडस्ट्री से पहले या प्री हिस्ट्री से पहले वहां पे क्या रहता था, जो ह्यूमन जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो कमाता था, ठीक है। मतलब प्री कम्युनिज्म जो है स्टेज जो थी वो अर्ली मैन की स्टेज हुआ करती थी। तो उसमें कहते हैं कि ह्यूमन को जो है जितना अपनी मर्जी जो है ह्यूमन की वो अपनी मर्जी चलती थी। अगर उसको नंगा घूमना होता था वो नंगा घूमता था, ठीक है। हमने एंशियंट हिस्ट्री से पहले हम कवर कर चुके हैं तो उसमें हमने देखा था जो अर्ली ह्यूमन है, ठीक है, उसको जब भूख लगती थी शिकार करके खा लेता था। ह्यूमन के ऊपर किसी भी तरीके की एक्सटर्नल इंटरवेंशन जो है वो नहीं होती थी, ठीक है। जो उसका मन करता था वो करता था। उसके बाद क्या कहते हैं प्री इसके क्या कहते हैं इसको प्री कम्युनिज्म स्टेज के बाद एक स्टेज आती है जिस वो आती है ग्रीक से ग्रीक क्लास की स्टेज, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि उसमें एक आपके हुआ करते थे स्लेव्स और दूसरे मास्टर। स्लेव और मास्टर का कंसेप्ट जो है, मास्टर और स्लेव इनका कंसेप्ट जो है इस कहां पे आया, आपकी ग्रीक क्लास में आता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है आपकी फ्यूडलिज्म, फ्यूडल्स वाली क्लास आती है, ठीक है। ये आपकी होती है ग्रीक क्लास के बाद आपकी है, आपका आता है फ्यूडलिज्म, एफ यू एफ यू डी एफ
feudalism, feudalism. इसमें वो कहते हैं कि serfs और जो आपके क्या कहते हैं lords और serfs जो हैं ये आते हैं, ठीक है, जो lords होते हैं वो क्या कहते हैं राज करते हैं किसके ऊपर, serfs के ऊपर, ठीक है. Then feudalism के बाद जो एक जो next class आती है वो आपकी आती है industrial society की. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ जाती है तब आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो आती है. तो इसमें भी दो क्लासेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, एक क्लास आपकी एग्जिस्ट करेगी बॉर्जुआ और दूसरी क्लास जो है वो एग्जिस्ट करेगी आपकी प्रोलेटेरियट, ठीक है. जो बॉर्जुआ होंगे वो राज करेंगे और जो प्रोलेटेरियट होंगे वो वर्किंग क्लास होगी बेसिकली, ठीक है. उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद एक क्लास आएगी सोशलिस्ट क्लास, और फाइनली जब सोशलिस्ट क्लास के बाद जो है जब उसके बाद एक क्लास आएगी कम्युनिज्म वाली क्लास, ठीक है. उनका ये कहना था कि हमें जो है कम्युनिज्म की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ जाने के लिए क्योंकि ये जो है ऑलरेडी यहां तक जो है हम जब हम लिबर्टी का कंसेप्ट कर रहे हैं तो हम यहां तक जो है ऑलरेडी पहुंच चुके थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हो चुकी थी, ठीक है. अब ये किसकी बात करती थी, सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास की बात करती थी, ठीक है, या फिर सिर्फ बॉर्जुआ की बात करती थी. ये उनका कहना था कि हमें जो है कम्युनिज्म की तरफ जो है वो बढ़ना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोशलिज्म जो है उसको अपनाना होगा. कि जो है एक मौका जो है एक टाइम जो है वो ऐसा आएगा कि जब ये प्रोलेटेरियट क्लास जो है ये रूल करने लग जाएगी बॉर्जुआ क्लास के ऊपर. लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि दोनों जो है वो बराबर हो, ठीक है. वो ना तो ये चाहते थे कि ये जो आपके ये जो है मास्टर्स जो है वो स्लेव के ऊपर राज करें, ना ही स्लेव जो है वो मास्टर के ऊपर राज करें, ठीक है. ये किनका कहना था, कार्ल मार्क्स का, ठीक है. तो जो इनकी ये जो थ्योरी देते हैं वो ये देते हैं कि अभी जो है ये क्लास जो है ये चल रही है, सबसे पहले आपकी ये जो है प्री कम्युनिज्म क्लास जो है वो चलती थी, उसके बाद आपकी ग्रीक क्लास आई, देन फ्यूडलिज्म आया, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जिसमें कौन हुए बॉर्जुआ, ये प्रोलेटेरियट, ठीक है. अभी बॉर्जुआ जो है प्रोलेटेरियट पे राज कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम जो है वो ऐसा आएगा जब प्रोलेटेरियट जो है वो बॉर्जुआ के ऊपर राज करना शुरू कर देंगे. लेकिन उनका कहना है कि ये चीज भी गलत हो जाएगी, उस वजह से हमें क्या करना है, हमें कम्युनिज्म जो है उसको रीच करना है जब जो आपके बॉर्जुआ और प्रोलेटेरियट जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. ना तो इनके पास ज्यादा पैसा होगा, ना इनके पास ज्यादा पावर होगी, ठीक है. तो ये जो कंसेप्ट था ये कार्ल मार्क्स का था, लेकिन यहां तक जो है वो हम पहुंच ही नहीं पाए. क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो बाद में आके वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करने लग गया. उनका ये कहना था कि स्टेट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है कम्युनिज्म में, ठीक है. तो इस वजह से हम यहां पे कभी कम्युनिज्म तक जो है वो हम कभी पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है. तो ये था आपका सारा कॉन्सेप्ट इसका, क्या कहते हैं इसका सोशलिज्म का, ठीक है. जो कार्ल मार्क्स हैं, अब कुछ बातें जो है वो आपकी नोट डाउन करने वाली हैं, उसमें आप ये लिख लेना कि जो आपके कार्ल मार्क्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो सोशलिज्म जो है वो एक मिड स्टेज है प्री कम्युनिज्म से कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए, ठीक है. उसके अलावा जो इसके नोट्स जो है वो मैं थोड़े आपको, चलो मैं नोट्स पहले इसके लिखवाई देता हूँ. हेडिंग बना के लिख लो, ये जो कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशलिज्म. लिबर्टी जो है वो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉन लॉक ने जो है उसका लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन लॉक लेके आएंगे, तो उनका जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. वो लिबर्टी जब आगे जाके आएगा, जब हम ये डिस्कस करेंगे ना ये चार जो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल है, तो उसमें ये देखो लिबर्टी यहाँ पे स्पेशल आ रहा है, ठीक है. तो इस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को जो है वो हम देखेंगे. हाँ, विलियम बर्नन वाली जो स्टेटमेंट होगी वो भी तब वहीं पे लिखवा दूंगा, ठीक है. यहाँ पे आज जो है सोशलिज्म के बारे में जो है वो लिख लो. लिखो, कार्ल मार्क्स गेव द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स गेव द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म. ही सेड लिबरल्स आर प्रमोटिंग इनइक्वालिटी, ही सेड लिबरल्स आर प्रमोटिंग इनइक्वालिटी, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, लिबरल्स टॉक्स ओनली अबाउट, या लिबरलिज्म टॉक्स ओनली अबाउट कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और बॉर्जुआ. बॉर्जुआ की स्पेलिंग लिख लो, बी ओ यू आर जी ई ओ आई एस आई ई, बॉर्जुआ. लिबरल्स टॉक्स ओनली अबाउट कैपिटलिस्ट और बॉर्जुआ, और बॉर्जुआ. एंड देयर इज अनदर क्लास, एंड देयर इज अनदर क्लास दैट इज प्रोलेटेरियट, पी आर ओ एल ई टी ए, सॉरी टी ए नहीं, टी आर आई
प्रोलेटेरियट क्लास, ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास. एंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, एंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, फुल स्टॉप. ही सेड देयर विल बी अ स्टेज when both the classes become equal, full stop. He divided this into various stages. ठीक है, तो यहां पे लिख लो प्री कम्युनिज्म, देन ग्रीक क्लास, उसमें मास्टर और स्लेव लिख लेना. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, फ्यूडलिज्म की, उसमें लॉर्ड और सर्व्स होंगे. देन आपकी थर्ड स्टेज जो है वो आएगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, उसमें आपके बॉर्जुआस और प्रोलेटेरियट होंगे. देन उसके बाद जो है वो आपका सोशलिज्म आएगा, जिसमें क्या होगा, प्रोलेटेरियट जो है उनके पास पावर जो है, या वो ज्यादा अमीर जो है वो बन जाएंगे बॉर्जुआ से. एंड देन फाइनली कम्युनिज्म वाली क्लास आएगी, जिसमें बॉर्जुआ और प्रोलेटेरियट जो है वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये है आपका मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोशलिज्म इज अ मिड स्टेज, इसको स्टार मार्क करके लिखना. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोशलिज्म इज अ मिड स्टेज टू रीच कम्युनिज्म. सोशलिज्म इज अ मिड स्टेज टू रीच कम्युनिज्म. कम्युनिज्म, COMMUNISM, कम्युनिज्म, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिज्म इज अ स्टेटलेस सोसाइटी. कम्युनिज्म इज अ स्टेटलेस सोसाइटी वेयर प्रोलेटेरियट आर इक्वल टू बॉर्जुआज. अब क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता था, स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट ही नहीं होगी. ठीक है, कोई भी स्टेट जो है, स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी, वहां पे गवर्नमेंट जो है किसी का भी रूल जो है वो नहीं होगा. ठीक है, अब ऐसा देश जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से जो कम्युनिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंडियन सोशलिज्म. अब जो इंडियन सोशलिज्म जो है वो किस तरीके का है, जो हमने डिस्कस करना है ये. ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी वैल्यू है हमारे प्रीएम्बल की. देखो, इंडियन सोशलिज्म टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपल. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जो क्योंकि लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो चल रहा था, तो उसमें क्या था कि सरकार जो है वो इंटरवीन ही नहीं कर रही थी. ठीक है, जो गरीब है वो गरीब है, जमीर है वो अमीर है. ठीक है, अमीर जो है अपनी मर्जी से सब कुछ जो है वो डिसाइड कर रहे थे. ठीक है, स्टेट क्योंकि बीच में स्टेट की इंटरवेंशन ही नहीं है, तो स्टेट को कोई ये जो है आपकी बॉर्जुआ क्लास है, इसको इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस लगाने वाला ही नहीं है. ठीक है, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके पास है ज्यादा जमीन है. इसके अगेंस्ट इंडिया का जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है. वेलफेयर ऑफ पीपल की बात इस तरीके से करता है, मान लो जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो लोगों के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में जमीनें थी. ठीक है, बहुत इतनी ज्यादा थी, वो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि किस तरीके से बाद में जो है जब लैंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल्स जो है वो लेके आएगा, लैंड सीलिंग बिल जो है वो बिल्स जो है वो लेके आएंगे, फिर लोग क्या करेंगे कि अपनी बीवी के नाम पे जमीन लगवाएंगे, अपने पेरेंट्स के नाम पे जमीन लगवाएंगे, अपने जानवरों के नाम पे जमीन लगवाएंगे, अपने घर पे जो पेड़ थे उनके नाम पे जमीनें जो है वो लगवाना शुरू कर देंगे. ठीक है, क्यों, ताकि उनको ये था कि हमारी जमीनें जो है कहीं और बट ना जाए. लेकिन सरकार ने कदम तो उठाया ना, सरकार ने क्या कहते हैं, एटलीस्ट लोगों के लिए काम करना तो शुरू किया कि हाँ जो जमीनें जो है वो बांट के एक एक किसी एक इंसान के पास जो है अकोमोडेशन जो ऑफ वेल्थ जो है वो ना हो जाए. तो इन्होंने क्या किया कि जमीनें जो है उनको बांटना शुरू कर दिया, कि जिसके पास कम जमीन थी उसको उस किसानों को जो है जमीनें जो है उन्होंने देना शुरू कर दिया. उसके अलावा सरकार, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार जो है अलग अलग स्कीम जो है वो लेके आती है. ठीक है, जैसे आपकी मनरेगा हो गई. ठीक है, 100 डेज का आपको जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें. ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, मनरेगा स्कीम हो गई. उसके अलावा वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सी स्कीम जो है वो चलाई जाती हैं. देन आपकी हेल्थ के लिए बहुत सी स्कीम जो है वो चलाई जाती हैं. ठीक है, और सरकारी जो जितनी भी स्कीमें होती हैं वो सारी स्कीम्स जो होती हैं ये आपकी बेसिकली सोशलिज्म का पार्ट ही है, इंडियन सोशलिज्म का पार्ट ही है. और हमारा जी ये जो 5 वैल्यूज जो है ये क्या डिफाइन करती है, कि हमारा जो ये जो वैल्यूज जो है ये डिफाइन करती है, ये 5 की 5 वैल्यूज, कि हमारा देश जो है किस तरीके का होगा. तो हमारा देश एक सोशलिस्ट देश होगा,
वो किस तरीके से होगा, जब सरकार जो है वो इंटरवेंशन करना स्टार्ट करेगी, सरकार जो है लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, सरकार जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, तब लिख लो इंडियन सोशलिज्म के बारे में। सेकंड पॉइंट डालो सोशलिस्ट, पहला हमने कवर कर लिया सॉवरेन वाला, नेक्स्ट डालो सोशलिस्ट। इसमें लिखो इट इज अ सर्विस बाय द गवर्नमेंट, इट इज अ सर्विस बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सोसाइटी, टू इट्स सोसाइटी कॉमा ओरिजिनली इट वॉजंट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। ये वर्ड जो था ये प्रीएम्बल में नहीं लिखा गया था, ओरिजिनली इट वॉजंट रिटन, सॉरी इट वॉजंट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल बट इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर लिख लो इसका 1976 है, 1976, ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। बट एट रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बट एट रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ हिंट ऑफ सोशलिस्टिक टेंडेंसीज। अब जब ये वर्ड जो है उसमें एंटर करने की बात हुई ना कि सोशलिस्ट वर्ड जो है इसमें एंटर किया जाएगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी जो पार्लियामेंट थी उसके सामने सवाल जो है ये खड़ा हुआ कि क्या हम जो है हमारा जो प्रीएम्बल जो है उसमें अमेंडमेंट जो है वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती। दूसरी बात, क्या पार्लियामेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है, उनको पहले तो यही बात नहीं क्लियर थी कि इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माना जाए या ना माना जाए। ठीक है, तो बाद में केशव नंदा भारती केस जब आता है तो उसमें ये जो चीज जो है वो क्लियर कर दी जाती है कि जो प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है वो अमेंडमेंट जो है वो की जा सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई कि ये वर्ड जो है ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ये हम ऐड करना चाहते हैं तो इसको जो है हम ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जो कि अपने आप में एक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी हमारा सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट की बात तो ऑलरेडी कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम सोशलिज्म का जो एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो अपने इसमें प्रीएम्बल में या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम ऐड करने जा रहे हैं। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमारे इसमें ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, और जो आपका सोशलिज्म है वो भी इसी चीज की बात करता है। वो क्या कहते हैं कि जो बोर्जुआ और जो ये है आपके क्या कहते हैं लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, और वो वेलफेयर जो है वो कब होगा, जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जब बॉर्जुआज है वो इनके प्रोटेलिटेरिएट के इक्वल जो है वो आ जाएंगे या प्रोटेलिटेरिएट जो है वो बॉर्जुआज के इक्वल आ जाएंगे, उस टाइम पे जो है वो आपका सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो रीच हो जाएगा। जो सोशलिज्म जिस वजह से लाया गया था या जिस वजह से हम सोशलिज्म को जो कार्ल मार्क्स जो है वो लेके आए थे, वो जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वो किस तरीके से होगा, जब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको इक्वली जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या बात की कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और जो इक्वालिटी है वो हम स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात जो है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट जो है या सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम कुछ जो है कुछ नया तो उसमें ऐड नहीं कर रहे, बस हम ये कर रहे हैं कि उस वर्ड को जो है वो लाके यहां पे रख रहे हैं। ठीक है, तो वो इसके ऊपर जो है ये जो अभी मैंने आपका लाइन लिखवाई, बट एट द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ हिंट ऑफ सोशलिस्टिक टेंडेंसीज, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी तो ऑलरेडी सोशलिस्टिक टेंडेंसीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो इस वजह से फाइनली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये वर्ड जो है सोशलिस्ट सेकुलर और जो आपका यूनिटी वर्ड जो थे इन तीनों वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया गया आपके प्रीएम्बल में। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ सोशलिस्टिक वाला जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लिखो सोशलिज्म एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंट एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। सोशलिज्म एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंट एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग।
एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो कल की क्लास में हम जो है सेकुलरिज्म जो है उसको डिस्कस करेंगे। सेकुलरिज्म जो था इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ही ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में समझाऊंगा भी कल और लिखवाऊंगा भी कल। ठीक है, तो इसको जो है प्रीएम्बल को ऑलमोस्ट 3 क्लासेस जो है वो आपकी लग जाएंगी। ठीक है, प्रीएम्बल के बाद आपका यूनियन जो है वो स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जो जैसे जैसे फर्दर टॉपिक्स जो है वो आते जाएंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कल नहीं, वो परसों की क्लास में जो है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी और नोट्स जो है वो आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए गए हैं, जो हमारा जो टेलीग्राम सॉरी जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है यूपीएससी वाला, उसमें आपके जो नोट्स जो है वो आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो भी आपके जो क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं वो भी आपको, जैसे ही हमारा टॉपिक जो है प्रीएम्बल वाला टॉपिक वो खत्म हो जाएगा तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस जो है वो बनते होंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंड कर दिए जाएंगे। और जैसे ही हम जो है ये फिनिश कर लेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स तक जो है वो फिनिश कर लेंगे, तो इन तीनों टॉपिक्स आपका फंडामेंटल राइट्स, यूनियन, सिटीजनशिप और प्रीएम्बल, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर जितने भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2022 तक, जो भी क्वेश्चन इन चार टॉपिक से रिलेटेड बनता होगा वो क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लिखवा दूंगा और देन फाइनली आप उसके आंसर जो है मुझे लिख के भेज देना। एंड देन उसके बाद मैं आपके आंसर जब चेक करने के बाद जो है एक वीडियो जो है उसके ऊपर बना दूंगा कि किस तरीके से जो है आपके जो मॉडल आंसर जो है वो होने चाहिए थे। ठीक है, और उनकी जो पीडीएफ जो है वो भी आपको सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।